वेलकम बैक टू काशिफ का मैं ब्लॉग। एक्चुअली आज फ्राइडे था तो कॉलेज में ज़्यादा क्लासेस था नहीं, और क्लासेस जो था वो एक्चुअली सर ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि उनको भी वो फैमिली वाले हैं, फैमिली रहती है उनकी भी फैमिली रहती है, तो जुमा के दिन क्लास कैंसिल कर देते हैं और सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास ले देते हैं। तो अब जो क्लास है मेरी आज की वो 3 बजे यानी कि 3 o'clock है, तो हम लोग 2:30 को अब जुमा के बाद निकलते हैं। तो बेसिकली ये ब्लॉग ऐसा रहेगा कि हाउ वी स्पेंड जुमा, तो ये कैसा रहेगा। एक्चुअली होता क्या है ना, जुमा के दिन थोड़ा मतलब क्लास वगैरह हम लोग जानबूझ के कम कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कम हो जाए। तो हमारे सर भी जो है लकीली वो भी मुस्लिम है, तो वो अपना क्लास सैटरडे को शेड्यूल कर देते हैं क्योंकि सैटरडे संडे हम लोगों की छुट्टी होती है। तो उस दिन अगर मान जाते हैं मतलब क्या बोलते हैं शेड्यूल करने के लिए, तो फिर हम लोगों की जुमा को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, वरना नमाज पढ़ने का टाइम मिलता है। तो आज छुट्टी मिल गई थी जल्दी, तो घर आ गया, नहा धोकर तैयार हूँ, अभी जाऊँगा नमाज पढ़ने। आप लोगों को बताता हूँ कौन से मस्जिद में जाऊँगा, आप लोगों को उस बारे में डिस्कस भी किया था एक व्लॉग में, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। तो अभी हम लोग फिलहाल तो निकल चुके हैं जुमा की नमाज के लिए। जमात का टाइम 2 बजे है, अभी 1:15 हो रहा है। मैं बार बार अपने हाथ पे घड़ी देखने लगता हूँ, बट अभी कुछ दिन से लगाने का आदत लगा नहीं रहा हूँ, तो बट आदत है तो इस तरह से कर रहता हूँ। जल्दी से जल्दी घड़ी देना पड़ेगा। चलिए मस्जिद पहुँचते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कौन सी मस्जिद में जा रहे हैं और कौन सी मस्जिद में नहीं जा रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो बाकी दिन नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो घर के पास वाली मस्जिद में जाते हैं, और जुमा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जामा मस्जिद में जाते हैं। चलिए चलकर आपको दिखाते हैं कि घर के पास वाली मस्जिद कहाँ पर है। गाइस, हम नॉर्मल डेज में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हम लोग इस साइड जाते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा इस साइड इधर एक मस्जिद है, उमर फारूक मस्जिद, जो हम लोग के घर के पास में ही है। बाकी नमाज हम लोग यहीं पढ़ते हैं या फिर कॉलेज के बगल में एक मस्जिद है वहाँ पढ़ लेते हैं अगर कॉलेज से निकलते होते हैं तो। और आज जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो जामा मस्जिद है, तो नमाज वहाँ पढ़ते हैं। उसामा मस्जिद तो इस साइड है। लोग भागते हैं यार कैमरा से, कंटेंट दो मुझे यार, कंटेंट दो। गाइस, आप लोगों के सामने आपको दिख रही होगी, जूम करके दिखा दूँ, मस्जिद जामा मस्जिद सिद्दीका। तो फिलहाल आज हम लोग मतलब हमेशा जुमा को यहीं जाते हैं नमाज पढ़ने, तो मस्जिद में अभी एक काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा वो मीनार। अभी ये 2 मीनारें बन रही है मस्जिद की, गुम्बद या फिर मीनार जो भी सही लगे आप लोगों को। ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ गाइस, मास्क भी लगा लिया है, टोपी भी हाथ में, तब मस्जिद के अंदर तो व्लॉगिंग करूँगा नहीं, करना भी नहीं चाहिए किसी को भी, खास करके जुमा वगैरह के टाइम पर रश रहता है और मस्जिद के अंदर फ़ोन वगैरह यूज़ तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। तो नमाज पढ़ के निकलते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं इस मस्जिद में आने का एक और रीज़न क्या है। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा टोपी लगाने के बाद बाल का थोड़ा हो जाता है इशू। फिलहाल हम लोग अभी जो दूसरा रीज़न था इस मस्जिद में आने का, एक्चुअली फ्राइडे है और हम लोग रहते हैं बाहर, तो हम लोगों से बिरयानी वगैरह तो बनने से रही, तो हम लोग यहाँ आते हैं कुछ यहाँ पे खाएंगे या फिर यहाँ से लेके जाएंगे और घर पे खाएंगे और जुमा मनाएंगे। तो बेसिकली इधर आने का रीज़न यही रहता है कि यहाँ पे खाना है या फिर यहाँ से लेके जाना है। तो अभी तो बैठ के खाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठे रहते हैं जो पहले आ जाते हैं, तो ऑलरेडी फुल हो गया होता है, तो इसी सब वजह से हम लोग घर ले आके खाएंगे। और यहाँ पर देखो पैक करके रखते हैं, रेडी रहता है, पहले ही पैक करके रख देते हैं। आओ पार्सल ही हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि जगह नहीं होता है। कुछ इस तरह से अंकल का काम चलता रहता है, बहुत तेज़ी में चलता है यहाँ पे। कंडे क्या खाना है? हम लोग चिकन बिरयानी खाएंगे, हम लोग दबा के तो यहाँ पे क्यों नहीं खाते जुमा के? यहाँ पे भीड़ होती है बहुत जुमे, तो आज चलेगा, अब रुका ना जा रहा है यार, जल्दी जल्दी चलो घर यार, इसलिए बोलता है यार यहाँ पे जल्दी से बैठ के खा लिया करो क्योंकि अब इंतज़ार नहीं होता यार, अब जाएंगे घर दौड़ते। ये मेरा दोस्त मेरे से मैचिंग करके पहन लेता है, अब हम क्या करें। पकड़ इसको
चले गए जल्दी जल्दी रूम पे, मैं रुक गया था। एक्चुअली बिरयानी खाना है तो बिरयानी के साथ तो ये मांगता है, तो बस वही लेने के लिए रुक गया था। अब उन लोगों को पता भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पता होना ही चाहिए, बट ऐसे में मैं ये बहुत पीता था, बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल तो कम कर दिया हूँ, बट बिरयानी पिज़्ज़ा KFC में मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा। ये तो बिरयानी चलेगी और ये चलेगा, तो मिलते हैं आप लोगों को खाना खाने के बाद। एक्चुअली भूख इतनी तगड़ी लगी होती है, 3 बज रहे हैं अभी, 3 बज रहे होंगे, 2:30 तो हो ही रहा हो। एक तो भूख इतनी तगड़ी लग रही होती है और हमें पता होता है कि हमें बिरयानी खाना है, तो हम उस तरह से भागते हैं। देखो मुझे छोड़ के भाग रहे। तो गाइस अब हम लोग घर में खाना खाएंगे। हम इसको वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे कि रुक जा थोड़ा, लेकिन सबर ही ना हो रहा है। देखो मुँह चल रहे हैं कदम से, ये ना डालेना। मैं गाइस एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। कन्नड़ बिरयानी दोस्त कान में बोल रहा हूँ, आप लोग आवाज़ आ ही गया होगा। कन्नड़ बिरयानी गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 इतने देखा व्लॉग का। मैं अभी इंडी करने वाला था और अभी कॉलेज पे निकलने वाला था। 2:47 समथिंग हुआ है, तो अभी अभी जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि जो क्लास था वो एक्चुअली होगा, बट ऐसा है सबने किया है कि थोड़ी देर का ही होगा और लाइक हाफ ऑफ द मतलब मेरे सेक्शन के आधे लोग जाएंगे, तो और आधे लोग कल सुबह जाएंगे। तो अब कल सुबह क्लास लगा है हम लोगों का। बाकी जो क्लास लगा है अभी, तो जो मेरा दोस्त उसामा है वो उसका रोल नंबर 1 है, तो 1 से 20 तक जाएंगे अभी और 20 से 40 जाएंगे कल सुबह। तो अभी हम लोग खा लिए हैं दवा करके, अब कॉलेज जाने का पूरा मन बना लिया था, शर्ट वगैरह चेंज करने ही जा रहे थे, तो अब पता चला कि नहीं जाना है, तो अब सो जाते हैं, सो के उठते हैं। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ आज। और व्लॉग अगर पसंद आया तो व्लॉग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो अभी तक कर ही लिया होगा, नहीं भी किया तो अभी तक कर लें। तो इस व्लॉग में एक्चुअली मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया कि एज अ मुस्लिम स्टूडेंट हमारा जुमा कैसे गुजरता है, फ्राइडे कैसे गुजरता है। तो बस यही था वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वेलकम बैक टू काशिप का व्लॉग। एक्चुअली अब यार क्या करें यार, नोटिफिकेशन एक ही फ़ोन सब उसी से चलता है, दिक्कत रहता है यार।